गाइस, दिस इज चैनल, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल TNU Vlogs। सो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक YouTube स्टूडियो कैसे सेटअप करते हैं। यानी मैं अपने YouTube स्टूडियो के बारे में आपको पूरे अच्छे से बताऊंगा कि मेरा YouTube स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या लाइटनिंग के फैसिलिटीज़ में यूज़ करता हूँ, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ, क्या क्या साउंड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले अरे कहना क्या चाहते हो, छोटी सी एक्सपेक्टेशंस लेके आया हूँ कि प्लीज़ वीडियो को कम से कम 100 लाइक तक पहुँचाइए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी जान पाए कि कैसे वीडियो एडिटिंग होती है, क्या क्या यूट्यूब स्टूडियो में रिक्वायरमेंट्स होती है, जिससे वो भी अपना YouTube स्टूडियो सेटअप कर सके। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं लेके चलता हूँ आपको स्टूडियो में। तो गाइज, मैं बैक कैमरा कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़ें। सो वेलकम गाइज, यहाँ पे मेरा रखा हुआ है PC, आप सामने देख पा रहे होंगे। यहाँ पे होती है सारी फ़ोटो की एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, जितनी भी एडिटिंग होती है सारी यहाँ पे होती है, जो आप YouTube पे देखते हैं। और यहाँ पे एक बुक रखी हुई है जो मैं आजकल रीड कर रहा हूँ, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको पढ़ के आप अपनी सक्सेस पा सकते हैं, या फिर सक्सेस के नए नए टिप्स आइडियाज़ पा सकते हैं। और यहाँ पे तो आप फ्रेम वगैरह देख रहे होंगे, मेडल्स ट्रॉफीज़ वगैरह हैं थोड़े बहुत। तो मैं आपको बैक व्यू दिखाता हूँ अपने स्टूडियो का। और हेयर वी गो, हमारा प्यारा सा स्टूडियो, जहाँ पे आपको दो स्टैंड दिख रहे होंगे, ग्रीन स्क्रीन दिख रही होगी। और ये मेरा बेड है, जहाँ पे मैं बैठ के कभी कभी एडिटिंग कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सो भी जाता हूँ। और ये जो आपको स्टैंड दिख रहे हैं, इनसे होती है एडिटिंग। यहाँ पे एक्चुअली ये वाला स्टैंड जो मेरा कैमरे को होल्ड करता है, या फिर मेरे फ़ोन को होल्ड करता है, जो कि सामने की तरफ स्टिल पोजीशन में रहता है, और ग्रीन स्क्रीन के सामने सारी एडिटिंग होती है। इसको मैं पहले यूज़ करता था, अभी भी यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास एक दूसरा स्टैंड है, मैं उसका यूज़ करता हूँ। सेम स्टैंड है, और वहाँ पे दिख रहा होगा आपको टेकफायर का नेक बैंड और बोया का माइक। जो बोया का माइक मैं ऑडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये बोया का माइक ही है। और टेकफायर का आपने तो देख ही लिया होगा, उस दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आके जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं, परचेज़ लिंक भी आपको मिल जाएगी। और ये रिंग लाइट, इस रिंग लाइट की वीडियो जस्ट अभी YouTube चैनल पे डाली है, आप वहाँ से जाके इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स में सारी की सारी डिस्क्रिप्शंस को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इस रिंग लाइट की फैसिलिटीज़ है। और ये जो ग्रीन स्क्रीन है, इस ग्रीन स्क्रीन पे पूरा का पूरा क्रोमा की से यूज़ करके मैं पूरा बैकग्राउंड एडिट करता हूँ। और बाकी ये एरिया तो मैंने दिखा दिया होगा। यहाँ ये जो ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट से मेरे राइट साइड से जितनी भी लाइट आती है, ये ट्यूबलाइट से आती है। अभी जो ट्यूबलाइट से जो राइट साइड में मेरे लाइट आ रही है, ये तो बहुत ही अच्छी लाइट होती है, एकदम मतलब फेस को बहुत ही क्लीन दिखाती है एरिया। लेकिन ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, इस एरिया में पूरा ब्लैक एंड ब्लैक हो जाता है, मतलब डार्क स्पॉट टाइप का एरिया हो जाता है। और ये डार्क स्पॉट का एरिया क्या होता है कि एडिटिंग करते वक्त काफ़ी ब्लर ब्लर सा आता है, और एडिटिंग ढंग से नहीं हो पाती। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता था, पहले एक टॉर्च इस्तेमाल करता था। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ वो टॉर्च। सो गाइज, ये वो टॉर्च है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इस टॉर्च की जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे फेस की जितनी भी मेरी लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और जो डार्क स्पॉट का एरिया था, इससे ही मैं रिमूव करता था, तो इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने इसको लोकल शॉप से परचेज़ किया था। और यहाँ पर हम लोग शूटिंग कर रहे हैं ये अपने एक सेल्फी कैमरे से। सो गाइज, मैं आपको थोड़ा अभी डिटेल में बता देता हूँ एक्चुअली मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली मैं आप यहाँ पे जो देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन स्क्रीन, और मैं कब से डार्क स्पॉट कर रहा हूँ, ये क्या डार्क स्पॉट है। एक्चुअली में जब भी आप ग्रीन स्क्रीन पे एडिटिंग करते हैं, तो आपके एडिटिंग के ऊपर जितनी भी लाइटनिंग है, यानी जो लाइटनिंग है, वो हर एक एरिया में इक्वल हिस्से में पड़नी चाहिए। अगर इक्वल हिस्से में नहीं पड़ेगी, तो कहीं पर डार्क स्पॉट आएगा, उससे आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं होगी। और यहाँ पे ये बोर्ड है, इस बोर्ड से हम लोग का दूसरा चैनल है अलाइट डोर, वहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं। और वहाँ पे सारा आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, बेसिक टू एडवांस। फ्यूचर में उस पर सारे के सारे रीजनिंग, अर्थमेटिक, जीके सारी वीडियोस आएंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जादुई मिरर। अब ये जो मिरर है जादुई है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब जब साइड में यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पर इसमें सामान रखने की जगह है, यहाँ पे आप अपने बहुत सारे एक्सेसरीज़ को रख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के अपने टूल्स को रख सकते हैं, जो छोटे छोटे टूल्स हैं, है ना। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसको एक्चुअली मैंने अच्छे से सेट नहीं किया, इसलिए ओपन होने में प्रॉब्लम हो रही है। और सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं,
इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते होंगे यहाँ पे कुछ मेरे गॉगल्स वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे वॉच रखी हुई है, और इनके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोन के बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं, रियल मी के ईयरबड्स के बॉक्स रखे हुए हैं। एक्चुअली में मैंने पहले परचेज़ किए थे, वो सारे बॉक्स इसमें रखे हुए हैं। तो ये था गाइज हमारा जादुई मिरर, और मैं आपको थोड़ा सा साइड में ले जाके एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये है हमारी विंडो जहाँ से पूरी की पूरी नेचुरल लाइट आती है, जो नेचुरल लाइट आती है वो हमारे चेहरे पे पड़ती है, तो चेहरे की जो ब्यूटी होती है और भी ज़्यादा अच्छे से आती है, तो चेहरा और भी ज़्यादा ब्राइट दिखता है। तो वीडियो में इसलिए जो चेहरा है वो पूरा का पूरा ब्राइट नज़र आता है। अब मैंने आपको लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो मैंने बताई दी कि क्या क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ये ग्रीन स्क्रीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आप इजीली अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल एडिटिंग कर सकते हैं गाइस। सो गाइस वीडियो तो आप लोग ने पूरी देखी ली होगी, अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ मैं एडिटिंग के लिए क्या क्या यूज़ करता हूँ। मैंने बता ही दिया कि मैं अपनी पीसी पे भी बहुत सारी एडिटिंग करता हूँ, लेकिन मेरी मोस्ट ऑफ दी जो एडिटिंग वीडियो होती है वो मैं अपने फ़ोन से ही कर लेता हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करके। और बात रही फ़ोटो की, तो पिक्सआर्ट का इस्तेमाल करके, स्नैपशीट का और लाइटरूम का इस्तेमाल करके मैं हर एक तरह के टेम्पलेट्स भी बना लेता हूँ। मैं कैनवा का बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ, कैनवा से मुझे कोई टेम्पलेट उठाना होता है तो मैं उसको क्रॉप कर लेता हूँ, नहीं तो बाकी मैं सारी एडिटिंग इन सारे ऐप से करता हूँ। और ये सारे ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर पर भी ये सारे एप्लीकेशन आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं। और बाकी मैं कुछ दिनों में पूरी की पूरी एडिटिंग की वीडियो, कैसे एडिट होती है वीडियो, मैं वो भी डालने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो गाइस प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करिए और दोस्तों में फैला दीजिए पूरे चैनल को, ताकि दोस्त भी जान पाए कैसे क्या होता है सिस्टम यूट्यूब का। और जो SEO वगैरह होता है आप सीखते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता दूँगा यहाँ पे कि आप अगर चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या गलतियाँ ना करें जिससे आपका चैनल ग्रो ना हो, है ना। अभी जैसे मेरा चैनल खुद ग्रो हो रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं तो आप बिलीव मत करिए। तो सारी चीज़ें होती हैं SEO पे होती है, धीरे धीरे वर्क करती हैं, आप हार्ड वर्क करते रहिए। जब तक आपके चैनल पे 100 वीडियोज़ नहीं होंगी तब तक आपको कोई क्यों सब्सक्राइब करेगा, है ना। तो अभी शायद आज मेरे को सब्सक्राइब ना करें आप, लेकिन आने वाले समय में जब मेरे चैनल पे कंटेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली सब सब्सक्राइब करते हैं। सो गाइज़ ये था पूरा वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड विद TNU व्लॉग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।